Good evening, friends. Today we are here to discuss the decisions which have been taken by GST Council in the GST Council's meeting, 35th GST Council meeting, held today, that is 21st of June 2019 at New Delhi. First and foremost, what they have done is they have expressed their gratitude towards Honourable ex-Finance Minister Arun Jaitley ji. And thereafter, there were certain items on agenda, some were the common items, but then the most important discussion that has been taken place and the decision that has been taken is, taken by them is, with relation to setup of the GST Appellate Tribunal. GST AT ka setup, jiske liye hum bahut samay se wait kar rahe hain, ki Appellate Tribunal setup ho jaye so that jo appeal ki proceedings ruki hui hain, wo start ho jaye aur logon ko jo unke appeal ke rights hain, वो उन्होंने फाइल करके एक्सरसाइज कर लिए, बट उनको जजमेंट अभी तक नहीं मिली है कि वो उनके फेवर में है या अगेंस्ट में है. इसलिए जो भी एडिशनल कमिश्नर लेवल पे या कमिश्नर अपील्स लेवल पे जो भी अपील्स फाइल हुई थी, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो आज तक कोई उनके ऑर्डर्स नहीं हुए हैं बिकॉज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं था. सो नाउ द काउंसिल हैज टेकन अ डिसीजन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेट एंड द एरिया बेंचेस, कि कहां कहां पे जीएसटी एटी के स्टेट के बेंचेस होंगे और एरिया के बेंचेस होंगे. और उन्होंने एक और डिसीजन लिया है कि एक कॉमन स्टेट बेंच होगी सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश. ये चार स्टेट्स को मिला के एक कॉमन बेंच होंगी और बाकी हर स्टेट और हर एरिया बेंच के बारे में उन्होंने डिस्कशन लिए हैं और बहुत ही जल्दी उनके लेजिस्लेचर हमारे सामने होंगे. उनके लॉ या उनके रूल्स जो भी बनेंगे, ट्रिब्यूनल के रूल्स, दैट विल बी बिफोर अस. एक चीज जो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद पॉजिटिव नहीं हुई है फॉर द टैक्स पेयर्स, बट इट वॉज सपोज टू बी देयर, दैट एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी विच वॉज ओरिजिनली सेटअप फॉर 2 years हैज नाउ फर्दर एक्सटेंडेड, दैट टेन्योर हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 2 years. सो नाउ दे विल बी लाइव फॉर 2 more years. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके बारे में हम न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली पढ़ रहे थे या न्यूज़ में या मीडिया के थ्रू समझ रहे थे कि ई इनवॉइसिंग, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फेक इनवॉइस केसेस, लॉट ऑफ टैक्स इवेजन्स इन जीएसटी रिजीम, गवर्नमेंट वॉज वेरी वरीड कि हाउ टू कर्ब, हाउ टू स्टॉप दिस टैक्स इवेजन. एंड दे हैव एक्सटेंसिव डिस्कशन टूडे ऑल्सो इन द जीएसटी काउंसिल और उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जो 50 करोड़ से ऊपर के टैक्स पेयर्स रहेंगे, फेज्ड मैनर में हम ई इनवॉइसिंग को लॉन्च करेंगे. ई इनवॉइसिंग से उनका इंटेंशन यह है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों होगा, सो दैट आपको इनवॉइस ही जब आपके गवर्नमेंट के पोर्टल पे बनेगा तो टैक्स इवेजन होने के चांसेस या फेक इनवॉइसेस इशू होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. सो नाउ वी आर वेटिंग कि वो जो फर्स्ट फेज उसका स्टार्ट होना है, जो जनवरी 2020 से दे आर प्लानिंग टू रोल आउट फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स, फॉर B2B सप्लाईज, वी आर वेटिंग कि वो लॉन्च हो एंड देन ग्रेजुअली एवरी टैक्स पेयर इज कवर्ड अंडर दैट ई इनवॉइसिंग मैकेनिज्म. सो दैट एक बार ई इनवॉइसिंग हो जाए तो ये जितना भी टैक्स इवेजन ड्यू टू फेक इनवॉइसेज, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू फेक इनवॉइसेज, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज टेंशन आर एंडेड. देन देर आर सर्टन चेंजेस विच आर प्रपोज बाई द जीएसटी काउंसिल विच रिलेट्स टू लॉ एंड प्रोसीजर्स. उसमें पहला है जो सबसे ज्यादा अवेटेड है, न्यू रिटर्न मैकेनिज्म, जिसमें न्यू रिटर्न जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जीएसटी एनेक्स 1, जीएसटी एनेक्स 2, जीएसटी आरईटी 01, ऑल दोज आर गोइंग टू बी देयर इन फेज्ड मैनर. और उनका ये टारगेट है कि जनवरी 2020 तक ये पूरा स्टेबल कर देंगे, सो दैट ना तो टैक्स पेयर को, ना जीएसटी पोर्टल जो मैनेज कर रहे हैं उनको, और ना ही गवर्नमेंट को, यानी किसी भी स्टेक होल्डर को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस ना हो. सो व्हाट दे हैव प्रपोज्ड इज, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक, यानी 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉर्म्स विच इज जीएसटी अनेक्स 1 एंड फॉर्म जीएसटी अनेक्स 2. वो ट्रायल के लिए टैक्स पेयर्स के सामने वो ओपन करेंगे, लेकिन टैक्स पेयर को अनेक्स 1, अनेक्स 2 फाइल करना है, दैट इज नॉट मैंडेटेड, दैट विल बी गिवन एज एन ऑप्शन एज पर माई रीडिंग.
so that they can try and they can get the feel of those forms. And at the same time, for this period, that is July 19 to September 19, they will have to continue filing GSTR 1 and GSTR 3B, which is the form which are live as on date. Aaj jo hum file kar rahe hain GSTR 1 or GSTR 3B, wo July to September 2019 tak taxpayers ko file karna padega. In October 19 se, they will make GST, form GST Annex 1, jo outward supply ka form hai, usko ye log mandatory kar rahe hain. So it will be made compulsorily from October 2019 for all the last taxpayers. Last taxpayers ko now they are saying the last taxpayer is a person who is having an aggregate turnover of more than 5 crores in the previous year. Jis bhi taxpayer ka aggregate turnover pichle saal mein 5 saal se jyada 5 crore se jyada hoga, wo last taxpayer ki category mein aayega aur usko October 2019 se GST form GST annex 1 file karna padega monthly basis pe. Aur jo bhi 5 crore se niche wale log honge unko annex 1 file karna padega quarterly basis pe, meaning thereby October, November and December annex 1 to be filed by last taxpayer who have a turnover of more than 5 crores in previous year. And jo small taxpayers hain, yani 5 crore se niche wale hain, unko October, November, December ka ek quarter hoga, उस क्वार्टर का उनको अनेक्स वन फाइल करना पड़ेगा जनवरी 2020 में. दिस इज अ सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप वाइज जुलाई टू सितंबर ट्रायल बेसिस जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी कंटिन्यूड. सेकेंड स्टेप विल बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट टैक्सपेयर मंथली रिटर्न फाइलिंग अनेक्स 1, स्मॉल टैक्सपेयर क्वार्टरली फाइलिंग इन जनवरी 2020 अनेक्स 1. देन थर्ड स्टेप विल बी अक्टूबर और नवंबर का पेमेंट जो है उनको फॉर्म 3B से ही करना है. सो अक्टूबर एंड नवंबर ऑल द लास्ट टैक्सपेयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ. एंड इन दिसंबर 2019 मंथ, फॉर द पीरियड दिसंबर 2019, दे विल बी फाइलिंग जीएसटी आरईटी 01 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जो रिटर्न है जीएसटी आरईटी 01 for the very first time will be filed in January 2020 for the period December 2019. Now we need to very specifically know ki GST RET 01 jab file karenge to jo last taxpayer hai, small taxpayer hai, unko apne invoices ko upload annex 1 mein karna hai, annex 2 se usko cross verify karna hai. So now here something to be important is ki GST अनेक्स वन में, विच इज एन आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, वी विल हैव टू और द टैक्स पेयर आर अलाउड टू कंटिन्यूसली फाइल और अपलोड द इनवॉइसेस. देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन एज सच. अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स बोथ द लार्ज एज वेल एज स्मॉल टैक्स पेयर्स विल बी अलाउड टू अपलोड द इनवॉइसेस इन अनेक्स वन. और अनेक्स टू जो है वो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो. So the release, press release is there. वो ये बोलता है कि annex 2 will be viewed simultaneously during this period, that is October to December, but no action will be allowed in such form GST annex 02. उसके अंदर आपको कोई भी action लेना allowed नहीं रहेगा December तक. And then the next phase will be कि October 2019 onwards, जो आप November और December का payment 3B में करोगे, वो आपको पीएमटी 08 में पेमेंट करना है स्मॉल टैक्स पेयर्स को. अपने हमने पहले देखा कि लास्ट टैक्स पेयर्स विल बी पेइंग थ्रू जीएसटीआर 3B फॉर अक्टूबर एंड नवंबर मंथ, और दिसंबर मंथ में वो आरईटी 01 से पेमेंट करेंगे. इसी तरीके से स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स विल बी पेइंग थ्रू पीएमटी 08, दे विल नॉट बी पेइंग थ्रू जीएसटीआर 3B. They will be paying through PMT 08 for October and November, and or first unka RET 01 jo quarterly basis pe file karenge October se December ka, they will be filing in January 2020. And the government is willing ki from January 2020 onwards GSTR 3B will be completely phased out. It will not be any more in existence and will be through with our these three returns, which is going to be GST form GSTR annex 1 outward,
form GSTR Annex 2 inward and form RET01, that will be the main return. Moving further to the next major decision, jiska hum sab wait kar rahe the. Halaki maine ek video bhi upload kiya tha, jisme maine apne views share kiye the. Somehow, this is a good news for all the taxpayers, all the professionals, and I congratulate each one of you. कि जो भी हमने representations किए थे, जो भी हमने चीजें आगे government को बोली थी, government ने उसको माना. और GSTR 9 और GSTR 9A और reconciliation statement 9C, इन तीनों की file करने की जो last date 30th June 2019 थी, it has now been extended to 31st August 2019. 2 महीने का और time हमें दिया गया है. Because lot of difficulties were being faced by the taxpayers. So the government has said that because of these difficulties which was faced by the taxpayers and the representations which were made, annual returns in 9A and the reconciliation statement in 9C are further extended. The period for that is further extended and the due date now will be 31st August 2019. So this is a welcome news, a welcome step by the government, because bahut issues जो face हो रहे थे, बहुत लोगों के जो BP बढ़े हुए थे, now it is going to be settled because now we have some time to breathe and some time to properly work and reconcile everything and then file the returns and reconciliation statements. Then next एक और important चीज़ है जो पिछले जुलाई 2017 से आज तक pending चल रहा है, that is ITC 04. I don't think I need to give any background. Rule 45 के हिसाब से जब भी आप कोई जॉब वर्क पे गुड्स भेजते हो तो आपको एक स्टेटमेंट कमिश्नर को फाइल करना पड़ता है, जिसको इंटीमेशन बोलते हैं, एंड दैट इज स्पेसिफाइड इन रूल 45 एंड द फॉर्म इज ITC 04, विच वॉज सपोज टू बी फाइल्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉर्म, दिस फॉर्म वॉज नॉट मेड फुल्ली एप्लीकेबल और फुल्ली ऑपरेटिव एंड लॉट ऑफ इश्यूज वर बींग फेस्ड बाई द टैक्स पेयर्स, इवन द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट, इसलिए इसका कंटिन्यूसली डेट एक्सटेंड कर रहे हैं. तो जुलाई 2019 टू जून 2019 का डेट 31st अगस्त 2019 तक फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है. जहां तक मुझे नॉलेज है, ऑल्दो आई एम नॉट इनटू कंप्लायंसेस, बट सो फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, देर वॉज अ रिवाइज फॉर्म विच वॉज नोटिफाइड इन 39/2018 नोटिफिकेशन डेटेड 4th September 2018, wherein the form ITC 04 was redrafted. But somehow my knowledge is there ki ITC 04 ko abhi tak portal pe jo changed ITC or revised ITC 4 hai wo abhi tak nahi aaya hai. And let me be very frank, ITC 04, the revised one, is quite simple in comparison to original ITC 04, because a lot of complications are there in ITC 04 original one. So let us wait. Maybe government will put that revised notified form, and it will make our life easy and we will be able to file all the ITC 04 for the period July 2017 till June 2019, that is for 2 years, by 31st August 2019. Although I feel that this is going to be a challenging task, filing of annual returns, filing of regular GST returns, filing of reconciliation statement, filing of ITC 04, all till 31st August is going to be again a big challenge, but we'll have to tighten our belts and we'll have to work hard to comply with these forms and these compliances, because now the government has accepted our plea and they have extended the due date. And then at last they have come also said that there are certain amendments, because of the decision that has been taken by the GST Council in the earlier meetings, there are certain amendments which are yet to be done in the law, and the major amendment which we all are expecting to be announced very soon and the law to be amended very soon is section 50 subsection 1, jisme bahut sara dispute already ho chuka hai. Telangana High Court ne mega engineering mein already ek judgment de diya hai, Delhi High Court ne bhi ek stay kiya hai. So all those things are very crucial and now we'll have to wait ki when those provisions are amended in the law and when those are made effective. नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो उन्होंने बोला था कि अगर 2 महीने तक कोई अपने पीरियडिकल रिटर्न्स नहीं भरता तो 2 महीने के बाद उसके पास ई वे बिल बनाने का पावर चला जाएगा, ही विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू जनरेट ई वे बिल. 2 मंथ्स मीन्स, अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, तो अप्रैल एंड मे इसका ड्यू डेट था 20th June, सो वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 21st June यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर एन ई वे बिल इफ यू हैव नॉट फाइल्ड अप्रैल एंड मे रिटर्न्स.
But now this date has been extended further for 2 months. And now it is 21st August 2019. So, 21 April, May ka bhi aapne return nahi bhara, jo 21 June se aapki e-way bill banane ki capacity ja rahi thi, block ho rahi thi, usko further unhone allow kiya, extend kiya hai, ki aap 21 August tak comply kar dijiye. Aur 21 August tak hum isko abhi abeyance mein rakhte hain. Uske baad hum is provision 138E ko effective karenge. And then एक और नोटिफिकेशन आया था 2/2019 CMP02 फॉर्म भरने के लिए विच वॉज रिलेटिंग टू कंपोजिशन 7 मार्च 2019 का नोटिफिकेशन था. उसमें जो ड्यू डेट थी वो 30/4 की थी. नाउ दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2019. सो नाउ द डेट फॉर फाइलिंग CMP02 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 Central Tax Rate dated 7th March 2019 is extended from 30th April till 31st July 2019. So, aaj agar aapne wo option exercise karna reh gaya tha because of any reason, still you have time till 31st July 2019. You can exercise that option, file CMP02 and comply with it, and then you can take the relief. Friends, these are certain decisions which have been given today, which are proposed today by the GST Council, and we'll have to wait for the notifications or the removal of difficulty order, which will certainly come in a due course, maybe in a day or in a week. But I would say relief has been certainly given to taxpayers so far as GSTR 9, 9C and 9A is concerned, so far as ITC 04 is concerned, so far as 138E rule is concerned, that is blockage of generation of e-way bill, and a very welcome step that they have tried to come out with the returns, new return system in a phased manner, July to September a trial basis, October onwards mandatory NX1, and then December RET01, and then October to December, again from January they are expecting ki 6 months will take, 6 mahina unko lagega, 6 mahine ke andar ये चीजें सेटल हो जाएंगी. टैक्सपेयर, सभी स्टेक होल्डर्स, टैक्सपेयर्स हो या गवर्नमेंट हो या फिर जो जीएसटीएन है, वो सभी सेटल हो जाएंगे और जनवरी 2020 से इट विल बी अ रेगुलर कोर्स ऑफ आवर रूटीन एक्टिविटी. और इसी तरीके से जो ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं लार्ज टैक्सपेयर्स के लिए फेज वन, दे आर विलिंग टू हैव दैट ऑल्सो फ्रॉम जनवरी 2020. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर participating in this video, and we'll come out with the video series of GSTR 9, jisme humne already we have released 4 videos, and rest of the portions will be releasing very soon. So be with us, subscribe for us, subscribe for cavinash@gmail.com, cavinash Poddar channel of YouTube. Thank you very much.